मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फिर से। भाई घर में रोटी चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए, मेरी बेटी मेरी बहन जो है सेफ रहना चाहिए, मेरे बच्चे सेफ रहना चाहिए। ना ये हिंदू राष्ट्र कभी बना था ना बनेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो अंधभक्त को लग रहा है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सपना को जो है अपना सपना ही तक रखिए। अब देख सकते हैं 2014 से लेकर अभी तक का, कभी नकाब कभी हिजाब कभी बच्चे कभी NRC कभी NPR। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है, तो ऐसे में हम सर्वे करने निकले हुए हैं कि आम आदमी का क्या मूड है, आखिर आम आदमी के क्या मुद्दे हैं 2024 में, जब वो चुनाव में जब वो इलेक्शन में जब वो वोट करेंगे, जब अपना मतदान करेंगे, तो फिर वो किस मुद्दे को अपने दिमाग में रखकर किस मुद्दे पर फोकस करके वो चुनाव में अपना वोट देंगे, तो अब किस नेता को करेंगे, और क्या लगता है कि लोग जो हैं वो उनके माइंड में क्या चल रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री के पद पर कौन सा चेहरा कौन सा व्यक्ति बैठने के काबिल है। तो हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, तो आइए हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फिर से, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए इलेक्शन का एक महीने के अंदर कुछ पुलवामा अटैक टाइप फिर से हो सकता है, या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा तो है ही, हिंदू राष्ट्र का लालीपॉप चुसाएंगे। अब वो लालीपॉप चुसते चुसते जो हिंदू अपने सच्चे सनातनी को छोड़कर भगवान श्री राम के नाम को इस्तेमाल करते हुए मोदी जी को भगवान बना चुके हैं, वो वोट देंगे। तो 2024 में मोदी जी फिर से लौट रहे हैं। मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा यही है भाई, घर में रोटी चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए, मेरी बेटी मेरी बहन जो है सेफ रहना चाहिए, मेरे बच्चे सेफ रहना चाहिए। अब देख सकते हैं 2014 से लेकर अभी तक का, कभी नकाब कभी हिजाब कभी बच्चे कभी NRC कभी NPR, हर मामले में तो मुसलमान के नाम पे माइनॉरिटी को जो है रौंदा जा रहा है। एक बात बताइए, क्या मुस्लिम फ्रीडम फाइटर नहीं थे? क्या मुसलमानों का खून नहीं शामिल था हिंदुस्तान की आज़ादी में? तो 2024 में जब मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर बहुत सारे हिंदू जो है इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि नहीं PM मोदी को नहीं आना चाहिए। तो सच्चा हिंदू तो खिलाफ में बोलेंगे ही, सच्चे हिंदू जो इंसानियत का पाठ पढ़े हुए हैं वो तो बोलेंगे ही, वो भी नहीं चाहेंगे। तो फिर जो लोग मोदी जी का समर्थन में है उनको क्या बोलेंगे? देखिए देश अभी चांद में जा रहा है, ठीक है, जो लोग मोदी जी के समर्थन में है वो चांद, उनके हिसाब से मोदी जी जो है देश को चांद में पहली बार पहुंचाया है। शायद उनका हिस्ट्री कमज़ोर है, 2008 में पहले चंद्रयान 1 का दौरान जो है चांद में जा चुका है पहले ही। और रह गई बात कि अभी थोड़ी देर पहले आप किसी से सवाल कर रहे थे गैस मिल रहा है, मोदी जी ने आवास योजना दिया है, और भी बहुत सारे योजना दिया है, उज्ज्वल योजना दिया है। भैया एक बात बताइए, देश को सबसे पहले कंप्यूटर देने वाले राजीव गांधी जो कि कांग्रेस के सरकार, आज जो पूरा देश AI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, ChatGPT को यूज़ कर रहा है, गूगल को यूज़ कर रहा है, घर घर पे मोबाइल नहीं, मतलब एक लोगों के पास 2 मोबाइल है, देखिए मेरे पास भी 2 मोबाइल है, हर कोई गूगल को यूज़ कर रहे हैं। भैया कंप्यूटर का जो है हिंदुस्तान में लाने वाले यही राजीव गांधी जी थे, और यही RSS के आइडियोलॉजी वाले उस वक्त कह रहे थे नहीं कंप्यूटर आएगा तो देश जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, शायद आपको याद होगा। देखिए बात राहुल गांधी और नरेंद्र नाथ मोदी का नहीं है, बात है एक सोच का कि आपका जी आप उसको वोट दीजिए जो आपका माँ बहन बेटी इन सबों को सेफ रखे, जो आपको घर में रोजी रोटी दे, जो आपको दंगा हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है आपस में ना भिड़ाएं। तो राहुल गांधी के बारे में बच्चे हैं राजनीति में, वो पप्पू उनको कहते हैं लोग। देखिए खून बोल के भी एक चीज़ होता है, अब जरूरी नहीं है कि चाय वाले का खून जो है, जब चाय वाले का खून आज प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, 10 लाख का सूट पहन सकते हैं ना 2 लाख का जो है चश्मा पहन सकते हैं, राहुल गांधी का गांधी फैमिली का अपना एक इतिहास रहा है तो कुछ तो खूबिया होगा। हाँ ये ज़रूर है, राहुल गांधी को पप्पू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपनी तरफ से उनको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जितना गंदगी में मोदी जी उतरे हुए हैं उतना गंदगी में राहुल गांधी नहीं उतर सकते हैं। तो मतलब आप परिवारवाद के समर्थन है, समर्थन में? बात परिवारवाद का नहीं है, सिंपल बात है, अभी हिंदुस्तान को चलाने के लिए या कांग्रेस या गांधी फैमिली चला सकता है या फिर BJP चला सकता है। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट क्या बचा, किसी के पास ऑल्टरनेशन नहीं है। तो 9 साल में कैसा चल रहा है? 9 साल में देश अच्छा चल रहा है, GDP गिर रहा है, 9 साल में देश अच्छा चल रहा है, डिफेंस स्ट्रांग हुआ है, 9 साल में देश अच्छा चल रहा है बाहरी लोगों के लिए, पर हिंदुस्तान में घर घर में लोग लड़ रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, जुनैद अंसारी के नाम पे लड़ रहे हैं।
दुनिया भर में जो भारत का नाम जो है रोशन हो रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो उस पर क्या कहें, उससे आपको आपत्ति है? देखिए मेरे हिसाब से जो है ना, भारत का नाम रोशन हो रहा है बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। इस देश को सांप और बिच्छू का देश कहा जाता था, इस देश को सांप और बिच्छू का देश कहा जाता था, आज डिजिटल इंडिया का नाम से जो है कहा जा रहा है और मोदी जी लाए हैं। फिर से मेरा वही बात आ गया, राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, ये आप भूल गए, डिजिटल इंडिया को याद रख रहे हैं? किस हिसाब से आप लोग बात कर रहे हैं? ये सब प्रोपेगेंडा 2024 का है। देखिए पिछले 9 साल में बहुत कुछ हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक का आज तक का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है, कोई मोबाइल टावर का लोकेशन आज तक नहीं मिला है, तो ये सब छोड़ दीजिए। अभी विंग कमांडर अभिमन्यु, ठीक है, इलेक्शन के एक महीना पहले का हो गया ये सारा चीज़ें, आज तक पुलवामा अटैक का, जबकि वहाँ के गवर्नर खुद कह चुके हैं कि पुलवामा अटैक के दौरान में जब मोदी जी को उन्होंने कॉल किया तो मोदी जी अभी अपना पिक्चर को शूटिंग करवा रहे थे, आप बोले थे अच्छा मैं बाद में बात कर, मुसलमान मारे गए, फिर बाद में बुलडोजर भी चलाया गया दोषियों पर, उस पर क्या कहें? देखिए नूह का जो मामला है ना, आप लोग को शायद याद होगा, जुनैद अंसारी जो एक बंदे को गाय और गोबर के नाम पर मार दिया जाता है और उसका आरोपी पकड़ा नहीं जाता कई महीनों तक, दो दो राज्य की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है, वो सोशल मीडिया में आके बोलता है कि मैं कल का ये स्थान में मैं पहुंचूंगा, इसराइली में पहुंचूंगा, और उनके आदमी इलाके इलाके में घर घर में घुसकर बोलते हैं कि तैयारी रखना, जीजा जी आ रहे हैं। तो भैया एक बात बताइए, हर हिंदू मुसलमान का जीजा जी है क्या? तो कानून है फिर आप किस चीज़ का कानून? 2 महीना 4 महीना 6 महीना से जुनैद अंसारी का मौत का अभी तक का जो है आरोपी नहीं पकड़ा जाता है, आरोपी सोशल मीडिया में आके ओपनली बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, जीजा जी का जो है स्वागत करो, और दो स्टेट का पुलिस, दो स्टेट का NSA, दो स्टेट का इंटेलिजेंस क्या करती है, क्या कर रही है, किस चीज़ का तनख्वाह मिल रहा है? या मोदी जी कहा है कि भैया मैं मोनू मानेश्वर को अनऑफिशियली अपॉइंट करता हूँ दंगा भड़काने के लिए, यही चाहते हैं, सिंपल भाषा है ना, ये हिंदू राष्ट्र कभी बना था ना बनेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो अंधभक्त को लग रहा है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सपना को जो है अपना सपना ही तक रखिए, क्योंकि मोदी जी कभी भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको हिंदू राष्ट्र का झांसा देकर हर 5 साल में अपना वोट को लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। रतन को मैं ये कहूँगा, आप अपने धर्म को भूल चुके हैं क्या? भगवान श्री राम ने ये कहा है कि हम सबके दिलों में है, मैं त्यागी हूँ, मैं त्याग करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं अपना आलिशान महल को त्याग किया हूँ, 14 साल वनवास किया हूँ, किस लिए? मेरे नाम को इस्तेमाल करने के लिए या किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए?